एक ब्राह्मण उड़ीसा से तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहते थे, तो उनके मन में था कि अगर कोई सहयोगी मिल जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, खूब धनी थे, तो एक गरीब नौजवान ब्राह्मण था, उससे कहा कि हमारी इच्छा हो रही तीर्थ यात्रा करें, पर मुझे कोई सहयोगी नहीं मिल रहा, हमारे पास धन है, क्या आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा? उसने कहा बड़ी कृपा होगी, हमको तो कभी सौभाग्य नहीं सकता क्योंकि हमारे पास धन नहीं, आपके पास धन, मैं खूब आपकी सेवा करूंगा, तीर्थों के दर्शन होंगे, संत समागम होंगे, खूब तीर्थों। जब वृंदावन धाम आए तो उनका शरीर रुग्ण हो गया, वृद्ध थे, उसने बहुत सेवा की, तो उन्होंने विचार किया आज तक हमारे तो पुत्रों ने भी ऐसी सेवा नहीं की, तो उनका बेटा मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूंगा और इतना दहेज दूंगा कि तुम हमारे समान धनवान हो जाओगे। तो उनका देखो हमने नहीं कहा, पर आप आशा जगा रहे हो, झूठ मत बोलना, घर में जाके बदल जाओ तो फिर, क्योंकि आप कह रहे हो तुम्हारी आशा जग गई ना कि ब्याह हो जाएगा और धन मिल जाएगा। तो गोपाल जी का मंदिर था, तो उनका मंदिर में खड़े होकर कहता हूं ऐसा कर दूंगा। और तीर्थों में गए, जब लौट के गए घर, अब वो बाट जो होता रहा गरीब ब्राह्मण को, भैया बात की थी तो 2-3 महीना हो गए, बूढ़े बाबा सनके ही नहीं, तो उनके पास हो गए और कहा आपको याद है तीर्थ यात्रा में जब आप वृंदावन धाम गए थे तो कहा था कि हम भगवान को साक्षी करके कहते हैं बेटी का ब्याह कर देंगे और दहेज में धन देंगे बड़े। तो उनके लड़कों ने कहा कि तुम्हें डंडा खाना है क्या, दरिद्र कहीं का तो देख रहा है अपनी हालत, मेरी बहन के काबिल है, और बाप से कहा तुमने कहा था क्या? वो भय में आ गया, उसने कहा मुझे याद नहीं कुछ, बूढ़ा आदमी मुझे कुछ याद। वो जवान ने कहा देखो हम कहा था उस समय तुमसे कि हमारी कोई आशा नहीं, तुमने अपने आप हमसे कहा है, हमारी आशा जगा दी और फिर इसके बाद तुम नकार रहे हो, अब हम पंचायत डलवाएंगे। तो उस समय न्याय ग्राम पंचायत में प्रधान और ऐसे मुखिया जन करते थे, पंचायत लगाई, जवान आदमी था, तो पंचों ने पूछा तो लड़के ने सिखा दिया भूल से भी आमत कर, तो उनका कि बूढ़ा हूं मुझे कुछ याद नहीं, घटना याद नहीं मुझे, उनको याद नहीं भगवान को साक्षी करके कहा था। तो लड़के ने कहा अगर साक्षी दे दे भगवान आके ना तो हमें बूढ़े से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें बेटी का ब्याह दे देंगे, जितना कहोगे उतना दहेज दे देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति कहीं चल के थोड़ी आती है, और इसको विश्वास था कि भगवान भगवान चाहे मूर्ति में हो चाहे चैतन्य घर में हो तो सब में विराजमान है। कुछ था घर में जो बेचा, 5 रुपया लिया, वृंदावन आया, ठाकुर जी का शयन भोग लग रहा था, कहा महाराज गोपाल जी ब्याह वाली बात है हमारी और उसके साक्षी आप हो, तो आप साक्षी दे दे तो हमारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारे सामने बात हुई थी। लोग पागल समझने लगे, मंदिर में क्या बातें कर रहा है, ब्याह आके भगवान भोग लगा, पर्दा लग गया, मंदिर बंद हो गया, वो बाहर बैठ गया। बीच बीच में सुनो हमारी बात सुन लो, आपको साक्षी देना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपके सामने बूढ़े बाबा ने कहा था। जब दसियों बार रात्रि में तो अंदर से आवाज आई, मूर्ति कहीं चलती है बावरे कह के, तो उनका मूर्ति कहीं बोलती, जब बोल सकती तो चल भी सकती है। निकल के आ गए ठाकुर जी, अब गोपाल जी कोटि मन्मथ मन्मथ परम सौंदर्य, उनका तुम्हें इतना विश्वास है? बोले मुझे पक्का विश्वास था कि आप हमसे बात करोगे, तो प्रभु अब चल के देखो ब्याह वाली बात है ना, तो अब चल के आपको वहां साक्षी देना पड़ेगा। बोले चलेंगे तो, पर हम देखो वृंदावन के हैं तो हमें खान पान की बढ़िया, बोले हम बेच के पहले पैसा लाए, आपको रबड़ी रसगुल्ला जो कहोगे, अब ब्याह वाली बात इसलिए खवाते पियाते चलेंगे आपको, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो? भगवान ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे पैरों की झनकार तुम्हें सुनाई दे, समझ लेना मैं आ रहा हूं। जहां भोग लगाना था वहां रुक जाता, भगवान को भोग लगाता, फिर चल देता, पीछे मुड़ के नहीं दे। जब नजदीक पहुंच गया उड़ीसा में तो उसको लगा एक बार तो देखे कैसे चलते हैं भगवान, जब देखा तो खड़े भगवान, तो उनका चलो बोले हमारी तुम्हारी शर्त थी, अब गांव के नजदीक आ गया था, बोले कोई हमारा हो गया काम, गांव पंचायत में गए, वो गोपाल जी साक्षी देने आए हैं। अरे भागे सब लोग दर्शन भगवान, किसी की हिम्मत पड़ी साक्षी पूछने की? जब भगवान वृंदावन से चल के आए, विश्वास किया ना तो मूर्ति चल करके चले गए। विश्वास और भाव यदि हो जाए तो गुरु भगवान से भी बड़ी मान्यता इसीलिए दी गई, माया प्रपंच में मैं फंसा था, भगवान थे पर मेरा उद्धार नहीं हुआ, पर जब गुरुदेव ने वरण कर लिया तो फिर माया प्रपंच मुझे फांस नहीं पाई, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से मैं मुक्त हो गया इस संसार से। हमें तुम्हें सबको जाना है, पर समय थोड़ा अलग अलग है, कब कौन कहां कैसे जाएगा ये निर्धारित है। देखो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना या कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मरना तो सबको अपने अपने समय के अनुसार, कोई नहीं बचेगा, ये तो पक्का है ना, उसमें चिंता नहीं करनी, जो सत्य विषय है उसमें नहीं चिंता करनी। तो जो पधार गया अब उसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना, मोह के कारण हम ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे आगे उनका चेहरा आता है, उनकी स्मृति में आप कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे पीछे के आप माता पिता को याद करते हैं क्या, पीछे जन्म के, पीछे के घर परिवार को नहीं याद करते ना, ऐसे वो जीव जो स्त्री शरीर में तुम्हारी माँ बना के वो दूसरी जीव में गया, खत्म खेल तुम्हारा, अब तुम उसको लिए बैठे रहो राग
नहीं, राग त्यागो, वर्तमान में जिसके माता पिता उपस्थित है खूब सेवा करो, या जो भी उपस्थित है परिवार, और शरीर छूटे तो इसका नाम मृत्यु लोग है, जाना है। रोने धोने की जरूरत नहीं, विवेक से सोचो, जाना है भाई, जाना है, वो हमारे नहीं थे, उनको जाना है, ये तुम्हारा नहीं है, ये छूटेगा। सत्संग का तो यही लाभ है ना कि विवेक ज्ञान जागृत हो जाए और नाम जपता। एक किसान है, आषाढ़ से शुरू करता है, खेती जोत कर तैयार करता है, फिर जब समय आता है गेहूं बोता है तो एक अच्छी फसल तैयार होती है। तो आपका अहम कितना समर्पित है, आप किस भाव से, तो उससे फिर आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और ऐसे जेब में हम कंठी डाले हुए, फौरन मंत्र दिया, तुम नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, वो बात अपने यहाँ ऐसा नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखो तो भगवान ही भगवान है, तो फिर कहा क्यों गया कि गुरु भगवान से बढ़कर है? क्योंकि भगवान के रहने पर भी हम माया में फंसे हैं, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आ गए तो हमें माया मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान के हृदय में रहने पर भी हम नाना प्रकार की वासना और प्रपंच में घसीटते चले गए, नहीं रोका, वही भगवान जब गुरु रूप से आए, वही भगवान, दूसरा नहीं, वही भगवान जब गुरु रूप से आए तो मुझे दलदल से निकाल लिया, माया मोह दलदल से। इसलिए मान्यता हो जाती है कि भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव भगवान है।